अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम इन्वर्टर एसी के इंडोर यूनिट बोर्ड का सर्किट देखेंगे। ये ग्री 1.5 टन 1.5 टन एसी के अंदर किट इस्तेमाल होती है। ये मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। आप इसकी डायग्राम, इसका सर्विस मैनुअल भी ढूंढ सकते हैं। उसके लिए इसका ये एक जेनेरिक नंबर है, GRJ870-A। ये नंबर भी होता है और ये इसका स्पेशल इस मॉडल का नंबर ये है 30-13-0206। 1.5 टन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इस सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। जब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं, वहाँ पर एक कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, ये चीज़ें लगी हुई हैं और साथ में थर्मोस्टेट स्विच। जो मेन हमारे आइटम है वो ये है। थर्मोस्टेट जब रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर हम देखते हैं, तो थर्मोस्टेट हम मैनुअली सेट करते हैं, लो, मीडियम, हाई। हमने अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेट किया, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, कूलिंग स्टार्ट हुई, कूलिंग होते होते जब एक ख़ास लेवल पे जो हमने सेटिंग की है उस पे पहुंचेगा, तो ये थर्मोस्टेट स्विच इसके अंदर लगे हुए इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट कंप्रेसर को ऑफ करवा देते हैं। कंप्रेसर ऑफ हुआ, टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो गया कमरे का, उस कैबिन का, उस रेफ्रिजरेटर का, फ्रीज़र का। जब वो बढ़ता हुआ उस लिमिट से बाहर जाएगा, तो इसकी जो ट्यूब है वो इसको दोबारा से कॉन्टैक्ट को मिलाएगी, कंप्रेसर को ऑन करवा देगी। ये है एक सादा तरीन कूलिंग सिस्टम। उसमें जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है वो मैन्युअली हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी उसी तरह की कहानी है। उसमें 5 वोल्ट उसको सप्लाई दे दी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर लगा हुआ है, वो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, वो टेम्परेचर को मेजर करता है केबिन के टेम्परेचर को। जब वो टेम्परेचर वहाँ पर पहुँचता है तो वो कंप्रेस, वो माइक्रो कंट्रोलर को बताता है और कंप्रेसर ऑन हो जाता है। ये एक थर्मोस्टेट के तौर पे ही काम करता है। कैसे? वहाँ पे हमारे पास लो, मीडियम, हाई कूलिंग है। हम अपनी मर्जी से नॉब को एडजस्ट करते हैं। बेसिकली हम उस थर्मोस्टेट के कट ऑफ पॉइंट को एडजस्ट कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये पावर ऑन बटन है और साथ में ये टेम्परेचर है। इसको भी ये जो कम कर रहा हूँ, ये बेसिकली जो आप आम रोज़मर्रा में हमारे किचन में जो लगा हुआ रेफ्रिजरेटर होता है, हम उसका जो टेम्परेचर एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वही चेंज कर रहा हूँ। फ़र्क क्या पड़ा? फ्रिज के अंदर हमारे पास जो कमरा है वो छोटा है, यानी फ्रिज का अंदरूनी कैविटी है, केबिन है, वो छोटा है, तो हमारे कमरे का साइज़ बड़ा है, तो इसमें जितना टेम्परेचर चाहिए हम वो टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं। उस टेम्परेचर को सेंस करने के लिए जितना हमने इससे टेम्परेचर मांगा, उसके लिए ये टेम्परेचर सेंसर लग गया। अगर हम एक नॉर्मल स्प्लिट यूनिट की बात करते हैं, तो वहाँ पर कूलिंग आई बाहर से, कंप्रेसर जो बाहर आउटडोर यूनिट लगी है, कंप्रेसर चला, उसने गैस को कंप्रेस किया, अंदर आ गई। वहाँ पे हमारे पास एवेपोरेटर के सामने फैन लगा हुआ है जो कि गर्म हवा को उसके ऊपर फेंकता है, वहाँ से ठंडी हवा सक करके बाहर फेंक रहा होता है। तो ये इतना सा प्रोसेस है। उसको जो कमरे की हवा आ रही है, जो कमरे के अंदर ऊपर से सक कर रहा होता है, वहाँ पे ये सेंसर लगा दिया जाता है। तो ये हवा इसको टच होके जाती है, तो ये कमरे के टेम्परेचर को मेजर करके इसको बता देता है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि इसने टेम्परेचर सेंस करना है, हमारे पास था मैनुअल, वहाँ पे तो वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, इसको पावर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर 2 तारें आपने लगाई, एक साइड से बिजली आ रही है, दूसरी साइड से जा रही है, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसकी जो बायोमेटेरिक ट्यूब है, गैस ट्यूब है, वो उसको ऑन ऑफ करवाएगी और कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक करवा देगी, कंप्रेसर चलेगा, बंद हो जाएगा, इतना सा काम है। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। जो नॉर्मल सप्लिट यूनिट है इन्वर्टर के बगैर, वहाँ पे कंप्रेसर रिले है, हीट कूल रिले है और फैन के लिए कोई 5-7 किस्म की रिले लगी होती हैं। वहाँ पे भी माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। कुछ जो सप्लिट यूनिट है वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है बोर्ड के साथ। ट्रांसफार्मर सप्लाई बनाता है, 12 वोल्ट 15 वोल्ट देता है, और साथ में वहाँ पर एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर होता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए होता है। इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर ये SMPS लगी है, स्विच मोड पावर सप्लाई लगी है। ये सप्लाई आई,
इसने 12 वोल्ट, बिल्कुल वही ट्रांसफार्मर वाली कहानी, वोल्टेज बने 5 वोल्ट, रेगुलेट किए, रेगुलेट करके इस प्रोसेसर को दे दिए, हमारी इस मेमोरी आईसी को दे दिए, डिस्प्ले को चले गए, ये 5 वोल्ट की कहानी हो गई, प्लस ये सेंसर्स को 5 वोल्ट मिल गए। 12 वोल्ट हैं तो 12 वोल्ट ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं हमारी, ये फ्लैपर मोटर की, स्विंग मोटर की जो आईसी है UL N 2003, इस पे इस रिले को और इस सेगमेंट ड्राइवर आईसी को, इनको ये 12 वोल्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फ़ैन भी लगा हुआ है कूलिंग के लिए, उस ब्लोअर फैन को यहाँ पर सप्लाई दी जाती है। जो नॉर्मल एसी था उसके अंदर 5 या 4 रिले लगी हुई हैं, लो, मीडियम, मीडियम हाई, लो मीडियम के लिए, मुख्तलिफ स्पीड के लिए आप रिमोट से उसकी स्पीड एडजस्ट करते हैं, तो वो रिले, एक रिले ऑन होगी, उस एक वाइंडिंग को सप्लाई मिलेगी, फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर उन सारी रिले के झंझट से बाहर निकल आए हम, यहाँ पर उसने एक ही सॉलिड स्टेट रिले लगा दी। फ़ैन के लिए 3 कनेक्शन, लाइन, न्यूट्रल और एक हमारा ये कैपेसिटर, 3 तारें गईं, वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया हमने। वहाँ पे रिले कंट्रोल कर रही हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर, जितने नंबर स्पीड लगानी है वो रिले जाएगी, वो रिले ऑन होगी, उस पिन पे वोल्टेज आउट होंगे, सिर्फ एक पिन पे, 5 पिन का कनेक्टर है, 6 पिन वाला है, 7 पिन वाला है, जितनी पिनों वाला भी है, तो फ़ैन की लाइन, न्यूट्रल और इस एक पिन पे सप्लाई जाएगी, फ़ैन की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। बाकी थ्योरी इसकी सारी उसी तरह ही है। इसमें किया क्या जाता है, फ़ैन की, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड हो गया, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उस लिमिट के अंदर रखने के लिए यहाँ पर फीडबैक आ गई, यहाँ पर फ़ैन फीडबैक। ये कनेक्टर है हमारे पास स्विंग मोटर का, जो कि एयर की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे 2 सेंसर हैं, एक एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर, पाइप टेम्परेचर सेंसर या कूलिंग टेम्परेचर सेंसर इसको कहा जाता है। ये हमारे 2 कनेक्टर हो गए डिस्प्ले के लिए। इसी जगह पे प्लाज्मा का भी कनेक्शन होता है, लेकिन इस बोर्ड के अंदर प्लाज्मा के लिए नहीं लगा हुआ, यहाँ पर उसका हाई का कनेक्शन आउट है। अभी देखिए इसका वर्क कैसे है। रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो वहाँ पर एक ही कॉन्टैक्ट था, सप्लाई आई, सप्लाई आउट हो गई, टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट मेक होगा, हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। नॉर्मल एसी की बात करते हैं तो वहाँ पर कंप्रेसर रिले थी बड़े वाली, क्योंकि वो ज़्यादा करंट लेता है, तो वो रिले ऑन होगी, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर उससे थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गए हम, यहाँ पर ये 2 ऑप्टोकपलर लगे हुए, ये दोनों एक सिग्नल रिसीव करता है और एक सिग्नल भेजता है, किसको, आउटडोर यूनिट को, क्योंकि इसका जो आउटडोर यूनिट है वो इन्वर्टर बेस्ड है, तो जो सिग्नल जाएगा यहाँ से वो एक कम्युनिकेशन सिग्नल होगा, यानी कि लो करंट सिग्नल होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो बातें कर रहा है, एक कहने के लिए, एक सुनने के लिए, ये यहाँ से इस वायर के ज़रिए सिग्नल बाहर भेजेंगे। इस पर टोटल 3 कनेक्शन आ गए, लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन, ब्लैक वायर यहाँ पर लगेगी, तो ये सिग्नल यहाँ से हमारा आउटडोर के लिए चला गया। आउटडोर से कोई कमांड आती है तो वो ये यहाँ पे इसको बता देगा। अभी सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देख लें, बाज़ कुछ कंपनियाँ इसकी डायग्राम अपनी शेयर नहीं करती, कुछ बोर्ड्स के अंदर, कुछ कंपनीज के अंदर आपको जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो अपना डायग्राम शेयर कर देती हैं, सर्विस मैनुअल शेयर कर देती हैं, कुछ कंपनियाँ सर्विस मैनुअल के अंदर बता देती हैं कि अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो इसको रिप्लेस कर दें। न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, लाइन यहाँ पे आ गई, ये देखिए ये सप्लाई यहाँ से चली, इस पॉइंट पे आई, तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये एक बड़ा कैपेसिटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से आउट होके हमारे फ़ैन कनेक्शन के लिए चला गया, न्यूट्रल यहाँ पे हो गई। अच्छा, इस सेंटर कनेक्शन को हम बाद में देखेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल यहाँ से चली, इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे हमारे पास ये लगा हुआ है RV101, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, MOV है, मेटल ऑक्साइड वोल्टेज रेजिस्टर है। इसके बाद ये जो लाइन टर्मिनल है ये वाला,
इसको देखेंगे, यहाँ पे आता है, इसके बाद इस जगह पर आ जाता है ये वाला पॉइंट। इस पे है लगा फ्यूज़, फ्यूज़ से वोल्टेज चलेंगे इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट पे जब आए, यहाँ पर एक हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि क्लास एक्स कैपेसिटर है, और इसके बाद ये लाइन और न्यूट्रल के दरम्यान में लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है एनटीसी, ये ब्लैक कलर का अंदर वाला, यानी करंट फ्यूज से गुजरने के बाद यहाँ से आई एनटीसी में से गुजरेगी। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ से वोल्टेज चले इसमें आए, यहाँ से चले इसमें आए, तो ये हमारा ड्यूल लाइन फिल्टर है, ईएमआई फिल्टर है। इसके बाद पैरेलल में ये कैपेसिटर, तो यहाँ तक हमारी ये सेफ्टी हो गई ओवर करंट के लिए, ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो हमारी ईएमआई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसके लिए। ये वोल्टेज यहाँ से चले ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट पे आ गए, फेज यहाँ से चला इस जगह पे, ये सप्लाई यहाँ से चलेगी ऐसे इस पॉइंट पे आ जाती है। तो इस जगह पे हमारे पास लगे हुए हैं दो ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं, एक ट्राइक बेस्ड है U31 और U7। ये 3SD11 होता है और ये PC817 होता है। तो ये वोल्टेज की मौजूदगी को चेक करते हैं, प्लस ये ज़ीरो क्रॉस डिटेक्टर होता है। जब हम किसी जगह पे AC सिग्नल अप्लाई करते हैं जो कि हमारे लाइन वोल्टेज होते हैं, ये हमारे लाइन वोल्टेज इस तरह होते हैं, 0° ये होता है, यहाँ पे 0 वोल्टेज होते हैं। जब ये 0 से वोल्टेज बढ़ना शुरू होते हैं तो ये डिटेक्टर क्या करता है कि एक ऐसे पल्स जनरेट कर देता है। प्रोसेसर को पता चल गया कि यहाँ से हमारा ये लाइन वोल्टेज का 50 हर्ट्ज़ का या 60 हर्ट्ज़ का सिग्नल शुरू हो रहा है। जब ये दोबारा 0 पे पहुँचेगा, 0 से वोल्टेज वैल्यू चेंज होगी, तो फिर ये सिग्नल आ जाएगा, आएगा फिर ये जैसे ही बढ़ने लगेगा तो फिर यहाँ पे फिर पल्स दे देगा। यानी ये ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, इसने एक तो मेंटेन चेक करना है कि वोल्टेज है, और दूसरा चेक करना है कि वोल्टेज कब शुरू हो रहे हैं, साइन सिग्नल कब शुरू हो रहा है। ये आगे फिर प्रोसेसर के साथ इंफॉर्मेशन इसकी चलती रहती है यहाँ से आके। अभी ये जो सप्लाई हमने बात की थी, यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। इस ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज चले, एक हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है बड़े वाला 450 वोल्ट 22 माइक्रोफेरेड का। नेगेटिव सप्लाई आई यहाँ से सीधी, तो ये चार सोर्स पिनों पे पहुँच गई। इसके बाद ये पॉजिटिव सप्लाई ऐसे चली, प्राइमरी वाइंडिंग पे आ गई। पॉजिटिव सप्लाई एक ये पिन यहाँ से चली, इस पॉइंट से इधर आ गई। इस रेजिस्टर से ये सप्लाई चलती है तो हमारे VCC कैपेसिटर पर स्टार्टअप वोल्टेज दे देती है इनिशियल स्टार्ट के लिए। इसके बाद एक रेजिस्टर यहाँ से चली, इस जगह पे लगी, इस जगह पे साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है। रेजिस्टर, कैपेसिटर और ये डायोड, डायोड लगा है इस पॉइंट से लेके इस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपेसिटर, यहाँ से रेजिस्टर, तो RCD स्नबर सर्किट। ये कोर को डीमैग्नेटाइज करवाने के लिए होता है। इसने जब स्विचिंग करनी है तो ये नेगेटिव वोल्टेज स्विच करेगा। यहाँ पे TNY 277 IC लगी हुई है। ये VCC कैपेसिटर लगा हुआ है और साथ में इसके ये एक डायोड लगा हुआ है जो कि हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग वोल्टेज के लिए होता है। सेकेंडरी में देख लें, अभी ये पॉइंट है प्राइमरी के, सेकेंडरी में ये दो पॉइंट हैं आउटपुट वोल्टेज के लिए। यहाँ से तकरीबन ये 12 वोल्ट आउट करेगा, इस डायोड से रेक्टिफाई होंगे, रेक्टिफाई होने के बाद ये वोल्टेज आ जाएंगे हमारे इस कैपेसिटर पर। रेक्टिफाई हुए इस जगह पर और ये कॉमन है, इससे वोल्टेज बनने के बाद ये वोल्टेज चले जाते हैं यहाँ से जंपर होके इस पिन पर। ये जंपर लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा है। तो रेगुलेटर की सेंटर पिन ग्राउंड है, ये पिन इसकी पॉजिटिव 5 वोल्ट वाली है इस पॉइंट पे। अच्छा, इस साइड पे देख लें, ये वाला पॉइंट वाइंडिंग का, ये वाला एंड कनेक्टेड है हमारे ट्रांसफार्मर, हमारे मेन कैपेसिटर की प्राइमरी के साथ।
दूसरी वाइंडिंग को देख लिए, एक्सिलरी वाइंडिंग, ये वाला एंड ये कनेक्टेड है प्राइमरी ग्राउंड के साथ, इस कैपेसिटर के साथ, बड़े वाले के साथ। और इसके साथ देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे लगा हुआ है डायोड, डायोड के साथ यहाँ पर हमारे पास ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला। और इसी तरह फीडबैक के लिए हमारे पास यहाँ पर PC817 ये वाला ऑप्टो कपलर लगा है। इस ऑप्टो कपलर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये TL431 लगा है, ये वाला। और इसकी वोल्टेज इन्फॉर्मेशन 12 वोल्ट पूरे करवाने के लिए ये हमारे पास इसका बाइसिंग नेटवर्क है PC817 का, और PC817 और TL431 का वोल्टेज पूरे होंगे एक आम सप्लाई की तरह, तो ये मेंटेन करेगी। वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे तो ये अपने वोल्टेज को मेंटेन करवाएगी। 12 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस IC को, इस रिले को, ये जो हमारी रिले है, 5 वोल्ट हमारे चले गए प्रोसेसर को, मेमोरी IC को, डिस्प्ले को, IR सेंसर है उसके लिए 5 वोल्ट हो गए, और ये 5 वोल्ट इन हमारे सेंसर्स को भी चले जाते हैं, ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर और पाइप टेम्परेचर सेंसर है, ट्यूब टेम्परेचर सेंसर है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, प्रोसेसर इस क्रिस्टल से अपनी फ्रिक्वेंसी लेगा, ऑन होगा, ऑन होने के बाद मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रबते करेगा, एक तो फ्लैपर मोटर्स को चला के उसको ज़ीरो पे करवाएगा, प्लस इंश्योर करेगा कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑफ होना चाहिए, आउटडोर यूनिट के साथ कम्युनिकेशन करेगा, उसके साथ हेलो हाय करेगा कि वो इन लाइन है या नहीं है। ऐसे ही जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो देखेगा कि मैंने टेम्परेचर यहाँ से मांगा कितना है और कमरे का टेम्परेचर कितना है। दो टेम्परेचरों के अंदर अगर फ़र्क होगा और इसकी उस लिमिट से बाहर निकलेगा, कैसे, मैंने इससे मांगा 20 डिग्री रिमोट से, 20 डिग्री टेम्परेचर मांगा, और ये फौरन से उसको एक कैलकुलेशन में डालेगा और ये कह देगा अगर टेम्परेचर 21 से लेके 19 के दरमियान है तो खामोश रहना है, अगर 21 से ज़्यादा है तो कंप्रेसर को ऑन कर देना है, अगर 19 से पहले ही कम है, मैंने टेम्परेचर 20 मांगा है और कमरे का टेम्परेचर ऑफ है, तो उस वक्त इसको ऑफ रखना है। दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन ये होगी, कंप्रेसर ऑन करवाया, जब टेम्परेचर इससे नीचे जाने लगेगा फिर ऑफ करवा देना है। तीन कंडीशंस हो गई। चौथी कंडीशन होगी, अगर मैंने इसको ऑन ऑटो पे रखा है तो फिर टेम्परेचर इससे नीचे जाएगा तो कंप्रेसर को ऑफ करवा के 4-way वाल्व को ऑन करवाएगा, कूलिंग साइकिल को रिवर्स करेगा, हीटर ऑन हो जाएगा। हीटर ऑन हुआ, टेम्परेचर फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रखेगा, मेंटेन करवाएगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर ने हमारे कंप्रेसर को और सिस्टम के कूलिंग साइकिल को मेंटेन रखना है। अगर मैंने 20 डिग्री मांगा, यहाँ पे है 27 डिग्री, अभी ये इस लिमिट से बाहर है, इन दोनों के दरमियान, ए और बी के दरमियान फ़र्क है, यानी इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो ए माइनस बी उनको कैलकुलेट करेगा, अगर उसकी वैल्यू इससे बाहर आती है तो हमारे कंप्रेसर को ऑन करवाना है, इससे कम है तो ऑफ रखना है, ज़्यादा है तो ऑन करवा देना है। ये है इसका थ्योरी ऑफ ऑपरेशन। और उसके लिए यहाँ पर ये कम्युनिकेशन सिग्नल है, प्रोसेसर ऑन होने के बाद इसने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, तो ये लगी हुई है कम्युनिकेशन कंट्रोल रिले, इस रिले को इसने ऑन करवाना है, ऑन करवाएगा, यानी प्रोसेसर ने यहाँ से कमांड भेजनी है इस IC को, ये जो लगी हुई है ये UL N 2003 है, तो ये इसका जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर वाला, यानी इस रिले को यहाँ से कमांड आएगी, इस पॉइंट से यहाँ पर कमांड आएगी तो ये रिले ऑन हो जाएगी, यानी प्रोसेसर ने इस पॉइंट पे कमांड भेजी, इसके सामने वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, यहाँ से जंपर हुआ, जंपर होने के बाद ये इस जगह पर कमांड, ये रिले ऑन हुई, रिले ऑन होगी तो करेगी क्या, ऑन इस साइड से हुई, ये पॉइंट मिलेंगे, ये जो हमने लाइन वोल्टेज कहे थे ये यहाँ से स्विच होंगे, इधर पहुँचेंगे इस पॉइंट पर, इसके आगे लगा हुआ यहाँ पर रेक्टिफायर, एक डायोड लगा हुआ ये वाला,
तो ये वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, यहाँ से होते हुए ये वोल्टेज इस जगह पे पहुँचेंगे, प्लस इस साइड पे देखेंगे तो ये एक जम्पर होके न्यूट्रल आ रहा है हमारे इस पॉइंट पर, ये वाला जो हमारा ऑप्टोकपलर है ये वाला। यहाँ पर दो तरह के ऑप्टोकपलर लगे हुए, एक है PC817 और एक P785 लगा हुआ है। P785 इसको देखेंगे, इसकी पिन 1 2 इनके ड्राइव साइड ये वाली है, और इसको देखेंगे PC817 को तो इसकी ड्राइव साइड ये वाली है। एक लो वोल्टेज के लिए होता है और एक हाई वोल्टेज के लिए होता है। यहाँ पर P785 लगा हुआ है तो ये है हमारा ट्रांसमिशन के लिए। जब हमारे माइक्रो कंट्रोलर ने बात करनी है, यहाँ से ट्रांसमिट करना है, तो ये TXD पिन ट्रांसमीटर डाटा यहाँ से चलेगा, इसकी LED को ड्राइव देगा और आउटपुट पे ये हाई वोल्टेज को स्विच करेगा और यहाँ से कम्युनिकेशन सिग्नल एक कोड जाएगा आउटडोर के लिए। और जब आउटडोर ने कोई सिग्नल भेजना है तो वो सिग्नल यहाँ पे पहुँचेगा तो इस ऑप्टोकपलर की LED वाली साइड पे आएगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट स्विच होंगे क्योंकि प्रोसेसर को 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। ये कम्युनिकेशन कंट्रोल रिले ऑन होती है उस वक्त ये वोल्टेज कम्युनिकेशन लाइन इनेबल होती है। यहाँ पर ये रजिस्टर लगे हुए हैं, साथ में ये लाइनें इकट्ठी होके इस ऑप्टोकपलर की और इस ऑप्टोकपलर की कामल हो जाती है, एक ट्रांसमिशन के लिए और एक रिसेप्शन के लिए। इसी लाइन पे ट्रांसमिट करेगा, इसी लाइन पे रिसीव करेगा। ये सारे का सारा फंक्शन एक प्रोटोकॉल के तहत हो रहा होता है, यानी एक क्लॉक सिग्नल के साथ हो रहा होता है। उस क्लॉक सिग्नल को मेंटेन करते हुए यहाँ से कम्युनिकेशन सिग्नल आउट होगा। चले इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करता हूँ। अगर आप ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करिए, और अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको टेस्ट ना करें क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। अच्छा, एक तो बात होगी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करिए, और दूसरा ये है कि जब आपने इसको पावर अप्लाई करनी है तो किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना क्योंकि वोल्टेज का मामला है तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ऑसिलोस्कोप को ये मैं ग्राउंड को ग्राउंड कर दिया, और यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कम्युनिकेशन वाली पोर्ट के ऊपर ऑसिलोस्कोप की प्रॉब, और इसको 10x पे कर देते हैं। अभी मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। सिस्टम ऑफ है, इसने ऑन होते ही एक सिग्नल भेजा आउटडोर यूनिट के लिए, भाई मैं ऑफ हूँ, और साथ में ये रابطہ करना कर रहा है बार बार आउटडोर यूनिट के साथ कि किसी तरीके से उसके साथ رابطہ हो के उसको पैगाम पहुँचा दे कि मैं ऑफ हूँ। अभी वो इसके साथ رابطہ है कर ही नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही ये अपना सिग्नल भेजता है तो वापसी पे इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इस सिग्नल को हम DC वोल्टेज की मदद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉमन को न्यूट्रल पे और कम्युनिकेशन पॉइंट पे मैं DC में मल्टीमीटर रखता हूँ। 86 वोल्ट तकरीबन DC वोल्टेज बने और वो गायब हो गए। 1.2 वोल्ट ऑन किया, तकरीबन 100 वोल्ट के करीब इसने हमें सिग्नल शो करवाया। अच्छा, इसको मैं ज़रा डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इसको मैंने पावर ऑफ किया, और जब भी पावर अप्लाई हो तो कभी भी ऑसिलोस्कोप के इन पॉइंट्स को आपने चेक टच नहीं करना, क्योंकि लाइव सिग्नल आपका कभी भी इस पोर्ट के अंदर आ सकता है। अभी देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ स्विचिंग स्टेज के लिए हैं, इन सेगमेंट्स को ड्राइव देंगे, ये जो हमारे 7 सेगमेंट लगे हुए हैं।
अब यहाँ पर ये टेम्परेचर सेंसर, इसके ये कैपेसिटर ये लगे हुए हैं, प्लस इसका ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर को टेम्परेचर रीडिंग बताएगा वोल्टेज की सूरत में। वोल्टेज कम या ज़्यादा होंगे इस पिन को पता चलेगा, माइक्रो कंट्रोलर अपने हिसाब से यहाँ पर या कंप्रेसर ऑन करवाने के लिए या ऑफ करवाने के लिए सिग्नल भेजेगा, प्लस यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा आउटडोर यूनिट की कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसी कंडीशन है वहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ जम्पर लगे हुए हैं, हम इस पे जितने भी सिग्नल्स हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और सिग्नल टेस्टिंग के लिए इस बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे मार्किंग बनी हुई है, यहाँ पे आप सिग्नल टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। अभी फैन की स्पीड को कंट्रोल करवाने के लिए हमने कितनी स्पीड कंट्रोल करवाई, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मुझे फ़ैन जो है वो लो स्पीड पे चाहिए, उस वक्त क्या है कि ज़ीरो क्रॉसिंग आने के बाद प्रोसेसर वेट करेगा, मैं कहता हूँ यहाँ तक वेट करेगा, इतनी देर तक इस जगह पर एक पल्स आउट करेगा, जब पल्स आउट करेगा तो उस वक्त हमारी ये जो इस स्टील के कवर के अंदर एसएसडी लगी हुई है, तो ये एसएसडी सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, ट्राइक होता है, तो ये ट्राइक क्या करेगा, यहाँ से जो हमारे लाइन वोल्टेज थे, यहाँ से मैंने कहा था पहुँचे थे इस जगह पर, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है फिल्टर, एक ये इंडक्टर और साथ में ये कैपेसिटर, ये इसकी रिकवरी के लिए होता है, ये कैपेसिटर इसके आउटपुट पॉइंट पे लगा है, तो इंडक्टर सीरीज में लगा हुआ है, यहाँ से वोल्टेज चले यहाँ पे आए, इस जगह पे रुके हुए हैं, जैसे ही कमांड आएगी ये ट्रांजिस्टर उस कमांड को स्विच करेगा, स्विच करेगा तो ये इसका सर्किट ऑन होगा, उन वोल्टेज को ये जो इतने वोल्टेज हैं यहाँ से लेके अगले ज़ीरो तक, इतनी पल्स हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। इसी तरह फिर नेगेटिव पल्स आई, इसके बाद ये इतनी देर के लिए वेट करेगा, इसके बाद फिर पल्स आएगी, तो नेगेटिव साइड पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी पल्स आउटपुट में चली जाएगी, यानी इस पूरी साइन सिग्नल को काट के हमने दे दिया। हम कहते हैं मुझे स्पीड मीडियम चाहिए, तो उस वक्त ये अपने इस ड्यूरेशन को कम कर देगा, यहाँ पे पल्स भेज देगा प्रोसेसर, तो प्रोसेसर जब पल्स भेजेगा तो हमें आउटपुट में अभी पहले इतनी पल्स मिल रही थी, अभी पल्स इतनी मिलना शुरू हो गई, ऐसे ही लो साइड में है तो अभी लो साइड में जो पल्स है हमारी यहाँ पर मिलना शुरू हो गई, पहले इतनी थी, इतनी पॉजिटिव साइड इतनी नेगेटिव साइड, स्पीड कम थी, अभी हमने स्पीड ज़्यादा करने के लिए इसकी पल्स को बढ़ा दिया, फिर हम कहते हैं मुझे नहीं जी फुल स्पीड चाहिए, उस वक्त जैसे ही ये पल्स आई इसके साथ ही ये पल्स ऑन कर देगा, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पल्स और इसके आते ही ये पल्स, तो फैन की स्पीड फुल हो जाएगी। ये है इसकी थ्योरी इस सॉलिड स्टेट रिले की। मैंने कहा था यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 5 वोल्ट वाला इस रेक्टिफायर के आगे, मैं अभी इसको पावर ऑन करता हूँ। वोल्टेज डीसी रखे हमने और ये हमारे पास वोल्टेज आ गए यहाँ पर 12 वोल्ट इन दो पॉइंट्स पर, एक ये ट्रांसफार्मर वाली कॉमन और एक डायोड की दूसरी साइड। इसके बाद ये वोल्टेज यहाँ से जंपर के थ्रू जंप हुए, यहाँ पे पहुँचे ये वोल्टेज 12 और कॉमन, और वहाँ से रेगुलेट होने के बाद ये 5 वोल्ट हमें मिल गए। ये 5 वोल्ट अभी कॉमन ये है, ये 5 वोल्ट हमारे इन सेंसरों को मिल गए, ये सेंसरों को वोल्टेज मिल गए, ऐसे ही हमारे डिस्प्ले की इस आईआर सेंसर को चले गए, तो इन सेंसर्स को, यानी आपने ज़ीरो क्रॉसिंग का सिग्नल चेक करना है, पीजी का सिग्नल चेक करना है, इस हमारे एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइवर का वो सिग्नल आप टेस्ट कर सकते हैं, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है, 12 वोल्ट हैं, 5 वोल्ट हैं, हर जगह पर मार्किंग की हुई है। रिमोट का सिग्नल टेस्ट करना है तो यहाँ पे आएगा, ये सारे सिग्नल यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, चेक होते हैं, और साथ में ये अपना काम तो करता रहेगा, और किसी भी एरर आने की सूरत में
हमारे पास यहाँ पर एक फैसिलिटी है कि इसमें एरर कोड डिस्प्ले होगा, H6 अभी जो शो कर रहा है वो कहता है जी मैंने पावर ऑन किया, क्योंकि अब हमारा बोर्ड ऑन है, तो बोर्ड ऑन होने के साथ इसका जो इंडोर फैन है वो नहीं चल रहा। इसको कैसे पता चला? यहाँ से पल्सेस भेज रहा है, पल्सेस जा रही हैं उसी तरीके से कट करके जितनी हमने कहा था वो जा रही हैं, लेकिन इसको यहाँ पर फीडबैक नहीं मिल रही। जब फीडबैक नहीं मिलेगी ये कहेगा भाई प्रॉब्लम है, तो वो वापसी इसको उस स्पीड को जितनी हमने स्पीड मांगी है उस स्पीड को मॉनिटर करके यहाँ पर बताएगा। जितनी अगर उसने फुल टर्बो स्पीड पे चलाना है तो ये पल्सेस की रफ्तार को बढ़ा देगा, जितनी ज़्यादा पल्सेस हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी स्पीड बढ़ जाएगी। तो उसको वापसी रीचेक करने के लिए, काउंटर चेक करने के लिए ये फीडबैक यहाँ पे आएगी। अगर ये एरर कोड आ रहा है हमारा, या तो ये ड्राइव नेटवर्क ख़राब है, इस कवर के ये शील्डिंग उतार लें, ये स्टील वाला कवर उतर जाता है तो नीचे इस तरह की आईसी लगी हुई है, 7 पिन वाली आईसी लगी हुई है, तो वो वोल्टेज पे एसी वोल्टेज पे स्विच करवाती है। यहाँ पर हमारे पास 2K की सीरियल ईप्रॉम लगी हुई है 256x8 की 24C02, तो ये डाटा स्टोर करती है, प्रोसेसर अपनी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करता है सीरियल ईप्रॉम में और वापसी इसको रिट्रीव करता है। ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए, इसमें मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम होता है या तो ये सप्लाई डैमेज होती है हमारे पास, या ये कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम नेटवर्क ख़राब होता है, तो इसमें ये दो डायोड और इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं। ज़्यादातर इसमें जो P785 है, TLP785, वो ख़राब हो सकता है, यानी हाई वोल्टेज स्पाइक आई, क्योंकि एक लाइन एसी लाइन को साथ ये रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहा होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।